गुड मॉर्निंग क्लास कॉल, टुडे वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.8। ओके, सब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको ये लाइक फ्रैक्शन दिए, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सेम एज हमने बिफोर एक्सरसाइज में कर चुके हैं, वहाँ पर आपको लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना था, यहाँ आपको सप्रेशन करना है। ओके, सो सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन इज 11/12 माइनस 5/12। यहाँ पर 12 है, डिनोमिनेटर सेम है, सो हमने ये डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया एंड न्यूमरेटर 11 माइनस 5। सो 11 माइनस 5 इज 6, सो 6/12। ये सिंपल है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ओके, सेम एज आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन है, मैं बिफोर में भी आपको बता चुकी हूँ, जब भी आपको अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सेपरेशन करना रहेगा तो आपको एलसीएम लेना रहेगा, किसका, डिनोमिनेटर का। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 माइनस 5/8। सो इस टाइप क्वेश्चन हम बिफोर में पहले कर चुके हैं एलसीएम वाले एडिशन के इसमें। सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। बिफोर में आपको बता चुकी हूँ, जब आपके डिनोमिनेटर दो नंबर्स के ऐसे हो जो उनमें से किसी एक नंबर की टेबल में आते हो, जैसे यहाँ 4 और 8 डिनोमिनेटर है, अब ये दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं तो जो नंबर बिग रहेगा वो उसका एलसीएम रहेगा। ओके, सो एलसीएम ऑफ 4 और 8 इज 8। अगेन हम फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 3/4 इक्वल, देन एलसीएम एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सो 8 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 4 के टेबल में 8 टू टाइम आता है, 4 2 ज़ा 8। अब उस 2 नंबर को हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन लिया 5/8, अब एलसीएम 8 है एंड डिनोमिनेटर 8 है, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 1 आया, अब उस 1 को हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, 5 1 ज़ा 5 8 1 ज़ा 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, यहाँ भी 8 आ गया, अब यहाँ भी 8 आ गया, सो अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, आप इजीली इनको डिवाइड सेपरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा हमने 6/8 माइनस 5/8, 8 हमने कॉमन ले लिया एंड 6 माइनस 5 इज़ 1/8। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज 11/12 माइनस 2/3, के एलसीएम ऑफ 12 एंड 3। यहाँ पर अगेन अनलाइक फ्रैक्शन से तो हमने उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 12 एंड 3। अब यहाँ देखिए 12 एंड 3 3 के टेबल में आते हैं। ओके, सो यहाँ पर बिग नंबर 12 है, 12 उनका एलसीएम है। फर्स्ट फ्रैक्शन लिया हमने 11/12 इक्वल, एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड किया, 1 आया, 12 1 12 12, तो 11 मल्टीप्लाई 1 एंड 12 मल्टीप्लाई 1, सो 11/12। सेकेंड फ्रैक्शन है 2/3, अगेन एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, 3/4 ज़ा 12, सो 4 का हमने डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, 2/4 ज़ा 8, 3/4 ज़ा 12। यहाँ अगेन डिनोमिनेटर सेम हो गए, सो 11/12 माइनस 8/12, 12 कॉमन ले लिया, 11 माइनस 8 इज़ 3, सो आंसर इज़ 3/12। ओके, सो सेम एज स्टूडेंट आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको मिक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सो फर्स्ट हमको जब भी आपको मिक्स नंबर आएंगे उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, देन उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हियर इज अवर सॉल्यूशन, नंबर इज 3 and 4 6 minus 2 and 11 20। सो सबसे पहले हमको यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, सो ये पहले मैं वैसे सिखा चुकी हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, और यहाँ अपॉन में डिनोमिनेटर, या जो 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 अपॉन 6, सो 18 and 4 22 अपॉन 6। ओके, इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, जो हमने यहाँ डायरेक्ट करके लिखा है सेम ऐसे आपको इसको भी करना है। सो अब आपका क्वेश्चन बना 22 6 माइनस 51 20, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर चेंज हो तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आया है यहाँ 60। फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 22 अपॉन 6 इक्वल, एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का हमने डिवाइड किया, सो 10 आएगा, 6 10 से 60, 10 का हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई 10 6 मल्टीप्लाई 10, वी गेट 220 by 60। ओके, सेकेंड फ्रैक्शन लिया 51 अपॉन 20, सो अगेन हमने एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड किया, सो 20 3 ज़ा 60,
सो 3 का हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 51 मल्टीप्लाई 3 इज 153, 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60, ओके यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं, सो 220 अपॉन 60 माइनस 153 अपॉन 60 कॉमन ले लिया, 220 माइनस 153, सो व्हेन वी सेपरेटेड वी गेट 67 अपॉन 60। एंड यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको अगेन मिक्स में चेंज करना है, सो इसको हम कैसे करते हैं, डिवाइड करके। क्वेश्चन ई 5 - 1 and 4/9। अब यहाँ पर ये चेंज है क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई फ्रैक्शंस दिए हैं उनका एडिशन सेपरेशन करना है और किसी फ्रैक्शन का एक नंबर का डिनोमिनेटर नहीं गिवन हो तो आप वहाँ पर 1 एज्यूम करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे, 1। सो यहाँ पर हमने 1 डिनोमिनेटर मान लिया और यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, 9 - 1 = 9 एंड 9 + 4 इज 13/9, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। सेम वही आगे प्रोसेस करनी है, एलसीएम ऑफ 1 and 9, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, सो 9 आएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 5/1, एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड किया, सो 1 - 9 = 9 का हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 45/9। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिया 13/9, अगेन एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड किया, सो 1 आया, 13 - 1 = 9, 9 - 1 वी गेट 13/9, डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं, सो 45/9 माइनस 13/9, 9 कॉमन लिया, 45 - 13 इज 32/9 एंड इसको हमने देन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट, सो आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।